चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जो कि राजधानी भोपाल से ही मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने बड़ा बयान दिया है, भोपाल में समाज के सभी वर्ग को न्याय देगी सरकार। ये बात यहाँ पर सीएम शिवराज ने कही है। बताते तीन ओबीसी वर्ग के सीएम बीजेपी ने दिए हैं। वहीं ओबीसी मुद्दे पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि तीन तीन मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के दिए हैं मध्यप्रदेश को बीजेपी ने, तो वहीं समाज के सभी वर्गों को न्याय देगी सरकार। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए, इनने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक इनके इस बात का पर्दाफाश भी करना है, लेकिन दूसरी बात जो अटल जी ने कही है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। अब कोई कसर छोड़नी नहीं है, आज से तैयारी जारी। हम तो हमेशा तैयार थे, पीछे तो कांग्रेस बढ़ी, और इसलिए जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, अभी नगरी निकाय की और हमारे पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था पार्टी ने बना रखी है, वही व्यवस्था तत्काल काम करना प्रारंभ करेगी। तत्काल आप बैठ के करना प्रारंभ करें, नीचे तक की तैयारी प्रारंभ करें। आज ही पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। तीन तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा बयान यहाँ पर सीएम ने भी दे दिया है कि समाज के सभी वर्गों को न्याय भाजपा देगी, साथ ही तीन तीन ओबीसी मुख्यमंत्री लेने की बात दोहराई है उन्होंने यहाँ पे। बिल्कुल अनन्या, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी हितैषी है, उसके उदाहरण भी कई पेश किए गए हैं। तो ये सब चीजें हैं, उन्होंने कहा है कि तीन तीन ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए गए हैं, हर वर्ग के साथ चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस को भी उन्होंने जमकर कोसा कि कांग्रेस ने जो पाप किया है चुनाव रुकवाने का, वो जो है वास्तव में उसे जो जनता है वो क्षमा नहीं करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों की तैयारी पूरी है, हम लोग मैदान में जा रहे हैं, और कांग्रेस तो चूंकि पराजय का देख रही है अपना, इसलिए वो इस तरीके के षड्यंत्र रच रही है, इस तरीके की बातें कर रही है। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि तीन तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। कांग्रेस ने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री बनने ही नहीं दिया। कांग्रेस ने षड्यंत्र और महापाप किया है, उन्होंने बिल्कुल तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी आक्रामक दिखे, और उन्होंने कहा कि जो पाप किया है कांग्रेस ने, उसका पर्दाफाश भी करना है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि जो अध्यक्ष जी ने कही, जैसा कि हम संभव प्रयास है कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। कल बीडी शर्मा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि 27% से ज्यादा आरक्षण भी पार्टी का देना पड़े, यानी कि जो टिकटों में जिस तरीके से ओबीसी का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो, तो उन्होंने उसको उस लाइन को भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी को न्याय देकर महाविजय का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी का है, वो भी सतत रूप से जारी रहेगा, और इस महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें अध्यक्ष जी। उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर विष्णु शर्मा के लिए उन्होंने कहा है कि आप अपनी तैयारी पूरी कीजिए, बाकी जो प्रक्रिया है सरकार की वो तो सरकार कर ही रही है, तो कोई कसर नहीं छोड़नी। कुल मिलाकर संगठन को लेकर और संगठन की मजबूती को लेकर, ओबीसी के प्रतिनिधित्व को लेकर, और सबसे बड़ी अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से तैयारियां, उसको लेकर उन्होंने एक अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं और ये बयान दिया है अनन्या जी। चलिए बहुत धन्यवाद महेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल बताते हैं आपको कि समाज के सभी वर्ग को न्याय देगी सरकार, तीन तीन ओबीसी के मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए हैं। ये बात यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कही है, बड़ा बयान यहाँ पर दिया है। बता दें आपको ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जो है लगातार सियासत गरमाई हुई है, और ऐसे में अब वही बात जो कल बात दोहराई गई थी, वही बात वापस दोहराई है मुख्यमंत्री ने कि तीन तीन ओबीसी के मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी ने प्रदेश को दिए हैं, और कांग्रेस को सीएम ने ओबीसी विरोधी बताया है। चलिए रुक कर लेते हैं।